वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कानपुर किचन। आज हम बनाने वाले हैं लखनऊ की फेमस बिरयानी। आप ये रेसिपी फॉलो करके घर पे ही लखनऊ की बिरयानी का मजा ले सकते हैं। अगर आपने चौक और अमीनाबाद की बिरयानी को टेस्ट किया है तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 किलो मटन है, ये 2 किलो बासमती राइस है, ये दूध है, इसका शोरबा करेंगे, ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये हम गोश्त में बघार के टाइम डालेंगे, ये केसर है जो दूध में भिगो के रखा है, ये खड़े मसाले हैं, ये हम पाउडर बनाएंगे इसका, ये कुछ पीसे मसाले हैं, ये पीला मिर्चा है, ये लाल मिर्च है, ये 5 प्याज है जो हमने काट कर इसको फ्राई कर लिया है, ये खड़े मसाले हैं जो हम पानी बॉयल के टाइम पर डालेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। गोश्त को पका रहे हैं। देखिए ये तेल है जो 1 किलो में 250 ग्राम तेल पड़ता है, हम मतलब 250 ग्राम तेल लेते हैं, आपकी मर्जी की बात है, हमारे यहाँ थोड़ा ऑयली खाया जाता है। देखिए हमारा तेल हो गया है, हम इसमें गोश्त डालते हैं। हम इसमें खड़े मसाले डालते हैं, ये हम अदरक लहसुन दिखाना भूल गए थे, ये 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हमारे पाउडर वाले मसाले हैं, ये लाल मिर्च है, नमक है जो 3 टेबल स्पून है, ये भी दस है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमारा गोश्त कितने अच्छे से भून गया है, मसालों ने हमारे तेल छोड़ दिया है, ये देखिए तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें दही डाल के थोड़ा 5 मिनट और भुनाई करते हैं। ये दही 200 ग्राम है, दही डाल के जल्दी जल्दी चलाइएगा नहीं तो दही फट जाएगा। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं दही डाल के भूनते हुए, अब हमारे दही ने और गोश्त में पानी छोड़ा है, बस हमें इसी पानी में गलाना है, अलग से पानी ऐड नहीं करना है। 1 सीटी हमें तेज आंच पे लेना है और फिर हमें धीमी आंच करके 4 सीटी लेना है। देखिए हमारा गोश्त तैयार हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब चलिए हम पानी की तैयारी करते हैं चावल बॉयल करने की। ये पानी चढ़ाया है हमने चावल बॉयल करने के लिए, इसमें कुछ खड़े मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, ये लौंग है, ये हरी इलायची है, ये दालचीनी है, तेज पत्ता और ये नमक। नमक थोड़ा सा इसमें ज्यादा लेना है क्योंकि ये पानी में बॉयल में चावल जब पसाएंगे तो निकल जाएगा नमक। चलिए जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है, हम ये खड़े मसाले हैं जो हमें चावल में डालना है, इसमें हम फाइन सा एक पाउडर तैयार करते हैं। देखिए हमारा पाउडर बिल्कुल तैयार हो गया, बस हमें ऐसे ही इतना ही लेना है, इतना ही महीन करना है। ये देखिए अब हमें इसके ऊपर की तरी उतारना है। ये हमें जब जिस टाइम हम लेयर लगाएंगे उस टाइम हमको इसको यूज करना है। चलिए देखिए हमने ये तरी अलग कर ली, इसमें हम कुछ
ड्रॉप्स केवड़ा वो डालेंगे, बिरयानी एसेंस, ये आपको बहुत थोड़ा सा डालना है। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप वो कोई बात नहीं, आप केवड़ा डाल दिएगा। ये पीस जो है अलग कर लेते हैं। इसका जितना मोटा मसाला है वो तो सब इसमें रह जाएगा। उसके बाद हम इसमें दूध मिलाएंगे। अब हमने इसमें सारा दूध मिला दिया है, वापसी इसमें फिर से ये पीस अपने मिला देंगे। देखिए पानी हमारा बॉइल हो गया है, इसमें चावल डालते हैं। तेज आंच पे बॉइल कर रहे हैं चावल को। देखिए हमारा चावल हो गया है, नहीं करना है चावल। अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। चलिए हम लेयर लगाते हैं। ये गोश्त को हमको पूरा नीचे डाल देना है। इसमें प्याज डालना है। ये जो हमने मसाले पीसे थे वो हैं। ये जो हमने दूध में केसर भिगोया था वो ऐड करेंगे। ये कलर है, अब इसको 5 मिनट तेज आंच में और 15 मिनट धीमी आंच में, उसके बाद ये भी तैयार हो जाएगा। तब हमने जो ऑयल निकाला था इसको ऐड करेंगे तैयारी पे, बिल्कुल गैस जब बंद करेंगे तब इसको ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से भाप आ गई है। अब हम गैस के फ्लेम बंद करते हैं, फिर हम 5 मिनट बाद इसको मिला दे रहे हैं। ये जो हमने निकाला था इसका ऑयल, अब हम ढक देते हैं। 5 मिनट बाद आपके डिश आउट करेंगे। चलिए अब डिश आउट करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर है। देखिए हमारी लखनऊ की बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। प्लीज हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए।
देखिए मेरी बेटी को बहुत जल्दी है बिरयानी खाने की, अब इसका टेस्ट ले रही है।